नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। यूपी के स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों के साथ सीएम योगी बड़ी बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 4:30 बजे बैठक होगी। मुख्यमंत्री एक एक कर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों से बात करेंगे। शाम 5 बजे राज्य मंत्रियों के साथ भी बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कैबिनेट मंत्रियों से मिले कामकाज पर करेंगे चर्चा। सरकार की 6 माह की उपलब्धियों के साथ अन्य मुद्दों पर बातचीत होगी। तो मुख्यमंत्री एक एक करके स्वतंत्र राज्य मंत्री से मुलाकात करेंगे। शाम 5 बजे राज्य मंत्रियों के साथ ये वार्ता करेंगे। कैबिनेट मंत्रियों से मिले कामकाज पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसके साथ ही दर्शकों को यह भी बता दें कि सरकार की 6 माह की उपलब्धियों के साथ अन्य कई मुद्दों पर आज चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक बड़ी मानी जा रही है, बेहद अहम मानी जा रही है। कामकाज को लेकर के चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 4:30 बजे बैठक होगी। तो मुख्यमंत्री एक एक कर स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों से बात करेंगे और कामकाज को लेकर के समीक्षा करेंगे। शाम 5 बजे राज्य मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर ये मुलाकात करेंगे। कैबिनेट मंत्रियों से मिले कामकाज पर चर्चा करेंगे सीएम योगी। सरकार की 6 माह की उपलब्धियों के साथ अन्य मुद्दों पर भी आज चर्चा की जाएगी। यूपी के स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों के साथ सीएम योगी की यह बड़ी बैठक मानी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रियम, मुख्यमंत्री आवास पर आज शाम 4:30 बजे मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। बिल्कुल, आज शाम को 4:30 बजे सीएम योगी एक बड़ी बैठक करेंगे जिसमें सभी स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री जो है वो शामिल होंगे। उनके साथ में बैठक करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे कि उनको किस तरीके की जिम्मेदारियां दी गई हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं या फिर उन्हें जो काम दिए गए हैं उसका क्या कुछ अभी तक क्या ब्यौरा है। सरकार की 6 महीने की जो उपलब्धियां हैं उस पर जो मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा होगी। उन्हें जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कोई जिम्मेदारियां नहीं दे रहे हैं विभाग में, उन्हें केवल जो है वो नाम किए मंत्री का पद जो है वो दिया गया है। दिनेश खटीक जिन्होंने लिखित में शिकायत बकायदा की थी, अपने इस्तीफे की पेशकश की थी कि उन्हें राज्य मंत्री के नाम पर केवल एक गाड़ी दे दी गई है और कुछ स्टाफ दे दिया गया है, एक ऑफिस दे दिया गया है, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला है। तो इस तरीके की शिकायतें हुई थी, उसी को लेकर कहते हैं कि आज ये राज्य मंत्री और स्वतंत्र मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो बैठक करेंगे। 4:30 बजे ये मुख्यमंत्री के जो आवास है 5 कालिदास मार्ग उस पर ये बैठक होगी जहाँ पर सभी स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री जो है इस बैठक में शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए प्रियम। तो यूपी के स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों के साथ सीएम योगी आज बड़ी बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 4:30 बजे यह बैठक होगी। सहारनपुर से बड़ी खबर है जहां पर बसपा के पूर्व एमएलसी पर 50,000 का इनाम घोषित हुआ है। बड़ी खबर सहारनपुर से, लंबे समय से फरार चल रहा है पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल। हाजी इकबाल की 203 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। हाजी और उसके बेटों की कुल 148 चल अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। इन संपत्तियों में जमीन, कोठी, वाहन, ज्वेलरी और फर्नीचर शामिल किया गया है। न्यायालय के आदेश पर यह कार्यवाही होगी और संपत्तियों की कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने हाजी इकबाल की तलाश और तेज कर दी है। इकबाल की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें भी लगाई गई हैं। तो बसपा के पूर्व एमएलसी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। लंबे समय से फरार चल रहा है पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल, जिस पर अब 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। हाजी इकबाल की 203 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क होगी। बड़ी कार्रवाई की जाएगी हाजी इकबाल पर। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हाजी और उसके बेटों की कुल 148 चल अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। इन संपत्तियों में जमीन, कोठी, वाहन, ज्वेलरी और फर्नीचर शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। शरद, हाजी इकबाल पर बड़ी कार्रवाई की अब तैयारी कर ली गई है? जी देखिए, बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है खनन माफिया, भू माफिया के खिलाफ अभियान चला हुआ है, तो इसी प्रकार जो है सहारनपुर में भी बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ जो है
कई मुकदमे दर्ज हैं जिसमें वो फरार चल रहे थे। फरार के दौरान जो है एसएसपी सहारनपुर के द्वारा जो है उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसी दौरान पुलिस ने जो है फरार होने के कारण जो है अदालत से कुर्की का नोटिस भी ले लिया है और अब इकबाल की चल और अचल संपत्तियों की कुर्क करने की योजना को अलमिजामा पहनाना तय हो गया है। जी बिल्कुल शरद, इतनी बड़ी कार्रवाई, 148 चल अचल संपत्तियां कुर्क की जाएंगी बताया जा रहा है, और ये कार्रवाई किस दिन से, क्या नोटिस चस्पा कर दी गई उनके घरों पर और कौन कौन सी वो उनकी जगहें हैं जिनको चिन्हित किया गया है? देखिए सहारनपुर में लगभग 200 बीघा जमीन है, 4-5 बाग हैं और 8-10 रिहायशी मकान हैं जिन्हें कोठे पाया जा सकता है, कई कई करोड़ रुपए की जिनकी कीमत है। तो अगर इस तरीके की बात की जाए चल और अचल संपत्ति के, तो नामी और बेनामी संपत्ति बहुत अथा संपत्तियां हैं जिसके चलते अभी तो 203 करोड़ रुपए की संपत्तियों को ही कुर्क किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी इनका जो है देश से बाहर भी बहुत सारी संपत्ति है और देश के कई राज्यों में उनके होटल और मॉल भी बताए जाते हैं। और पुलिस अभी पूरी तरीके से ईडी और पुलिस जो है जांच कर रही है ताकि समय रहते हुए उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा सके। शरद, आपने बताया कि देश के बाहर भी तमाम सारे होटल्स और उनकी संपत्तियां हैं, तो क्या उन पर भी अब अधिकारियों की नजर बनी हुई है, उन संपत्तियों पर भी? अधिकारी लगातार जो है इकबाल की कुंडली कंगालने में लगे हुए हैं, क्योंकि जब से उन पर गैंगस्टर एक्ट लगा है और बलात्कार के मुकदमे दर्ज हुए हैं और अथा संपत्ति का जो है मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ, तभी से वो फरार चले आ रहे हैं। उनके बेटे लगभग 4 लड़के जो हैं वो अभी जेल में बंद है। उनके जो छोटे भाई थे एमएलसी, पूर्व एमएलसी बसपा के महमूद अली, वो भी फिलहाल जेल में है, लेकिन पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल ही अभी फरार है और पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। लेकिन पुलिस ने लगातार जो है उनकी कुंडली निकाल करके उनकी सभी संपत्तियों का ब्यौरा धीरे धीरे जुटा लिया है, जो ईडी से लेकर जो है वो स्थानीय प्रशासन तक सभी तरह की जांच कर रहा है और जल्द ही पूरी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए शरद। तो बसपा के पूर्व एमएलसी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ है और लंबे समय से फरार चल रहा है पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल, जिस पर अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है अधिकारियों की तरफ से। बड़ी खबर का रुख करेंगे, अयोध्या पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, अयोध्या को दी लता मंगेशकर चौक की सौगात। लता मंगेशकर चौक का सीएम ने लोकार्पण किया है, थोड़ी देर में समारोह में वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लता मंगेशकर की आज 93वीं जयंती है और इस मौके पर बड़ी सौगात दी है सीएम योगी ने, अयोध्या को लता मंगेशकर चौक की सौगात दी गई है। लता मंगेशकर चौक का सीएम योगी ने लोकार्पण किया, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की हैं, जहां पर लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया है सीएम योगी ने। ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं और आज इस लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया है सीएम योगी ने। अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अयोध्या दौरे के दौरान ये बड़ी सौगात दी है अयोध्या वासियों को, लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया है सीएम योगी ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया है और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। लता मंगेशकर के नाम पर बने स्मृति चौक का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है और इसके साथ ही केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी कार्यक्रम में मौजूद है। बड़ी सौगात दी है लता मंगेशकर चौक का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है चौक के। इस उद्घाटन समारोह में लता मंगेशकर के भतीजे और बहू भी मौजूद है बताया जा रहा है, उनके परिजनों को भी बुलाया गया है इस खास कार्यक्रम में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में संदेश देंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
तस्वीर में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और इस चौक का लोकार्पण करते नजर आ रहे हैं। समारोह को लेकर अगर जिक्र करें अयोध्या का तो चौक और कार्यक्रम स्थल रामकथा पार्क को पूरी तरीके से सजाया गया है। लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामनगरी के नया घाट बंधा चौराहा अब लता मंगेशकर चौराहा के नाम से जाना जाएगा। इस चौराहे को लोग अब तक नया घाट बंधा चौराहा के नाम से जानते थे, लेकिन अब आज के बाद से लता मंगेशकर चौक के नाम से इस चौराहे को लोग जानेंगे। और ये बड़ी सौगात दी है अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और इसके साथ ही सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ये तस्वीरें लता मंगेशकर चौक की हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इस चौक का लोकार्पण किया। ये सीधी तस्वीरें हम अयोध्या से आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण करने के बाद अन्य कार्यक्रमों में शामिल होते नजर आ रहे हैं। और कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए दीप प्रज्वलित करते हुए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम योगी ने लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया। और उस लोकार्पण कार्यक्रम के बाद अब अगले कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंच चुके हैं और सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम सारे पश्चिम को जोड़ा और एक संस्कृति की गुरुता दी जिसमें भजन अभंग और तमाम प्रकार के गायन 36 भाषाओं में संभव हो। माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथिगणों से निवेदन है कि वे पुष्पांजलि अर्पित करें आदरणीय लता जी के चित्र पर। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री महोदय, अब ये मौका है अतिथिगणों के स्वागत का। और मैं इसी क्रम में माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री लल्लू सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। प्रतीक चिन्ह जो चौक का है सरस्वती वीणा और उनको स्वागत जाएंगे। श्री ऋषिकेश उपाध्याय महापौर से निवेदन है कि माननीय केंद्रीय एवं पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी का स्वागत करें महापौर महोदय। माननीय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्त जी से निवेदन है कि माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश सरकार श्री जयवीर सिंह जी का स्वागत करें श्री वेद प्रकाश गुप्त जी।
माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वो श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज का स्वागत करें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और मुख्यमंत्री जी से ही निवेदन है कि वे लता जी के भतीजे और पंडित हृदयनाथ मंगेशकर के सुपुत्र श्री आदिनाथ मंगेशकर और उनकी पुत्रवधु श्रीमती कृष्णा मंगेशकर का स्वागत करें, श्री आदिनाथ जी और श्रीमती कृष्णा मंगेशकर। और उसी क्रम में श्री राम सुतार जी जिन्होंने ये मूर्ति शिल्प बनाया है वीणा का, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री देकर के स्वागत करें। श्री राम सुतार जी का सम्मान करें माननीय मुख्यमंत्री जी। और नगर आयुक्त श्री विशाल सिंह जी और अयोध्या शो संस्थान के श्री लवकुश द्विवेदी से निवेदन करता हूं कि वे हमारे सांसद, अयोध्या विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री महापौर जी और अन्य गणमान्य अतिथियों का अंगवस्त्र से स्वागत करें। महापौर जी का विधायक जी का लवकुश द्विवेदी जी से निवेदन श्री विशाल सिंह जी। ये हमारे लिए बहुत गर्व का अवसर है कि आज लता जी की जयंती के अवसर पर उनके हुआ है उनके परिवार से उनके वंशज पधारे हैं और महाराष्ट्र जाना है क्योंकि आज महाराष्ट्र सरकार लता जी के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ओपन करने जा रही है और उसका शाम को प्रोग्राम होना है, तो थोड़ा कार्यक्रम हमने बदला है। सबसे पहले श्री आदिनाथ मंगेशकर जी अपने तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करेंगे सबका और अपने विचार रखेंगे आदरणीय दीदी के प्रति, लता मंगेशकर जी के प्रति श्री आदिनाथ जी। नमस्कार सभी अयोध्या वासियों और इस महान उत्तर प्रदेश वासियों परिवार से सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। परमाननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, परमाननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, माननीय जयवीर सिंह जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री भारत सरकार, माननीय जी किशन रेड्डी जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश, श्रीमान मुकेश कुमार मेश्राम जी, प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन, श्रीमान नवदीप रिंबा जी, श्रीमान नितेश कुमार जी, श्रीमान अवनीश कुमार अवस्थी जी, सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री मंत्री महोदय, माननीय लल्लू सिंह जी, माननीय वेद प्रकाश भक्त जी, माननीय अमित सिंह जी, माननीय रामचंद्र यादव जी, मेरे भ्राता माननीय यतीन्द्र मिश्र जी और परम पूज्य माननीय नित्य गोपाल दास जी, पूरे मंगेशकर परिवार से हम सभी इतने धन्य हैं और हम इतने कृतज्ञ हैं
कि आपने एक ऐसा अमर स्मारक दीदी के नाम से यहाँ इस पवित्र अयोध्या नगरी में बनाया है। जब मुझे न्योता आया कि हम यहाँ आना है तो जैसे कहते हैं कि वी कुडंट बिलीव इट कि एक इतनी ऐतिहासिक। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया और उसके बाद लता मंगेशकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ अन्य कई नेता मौजूद हैं। और रुख करेंगे अब लखनऊ का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के संगठन से जुड़ी बड़ी खबर है। नरेश उत्तम पटेल एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है, बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, अखिलेश यादव ने यह बड़ी बात कही है। तो नरेश उत्तम पटेल एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल एक बार फिर से बनाए गए हैं और अखिलेश यादव ने इस सम्मेलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का दुरुपयोग किया है, बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया, अखिलेश यादव ने यह बात बोली है। आज समाजवादी पार्टी के संगठन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। नरेश उत्तम पटेल एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें पर सौंपी गई है और अखिलेश यादव ने एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया है। नरेश उत्तम पटेल पर विश्वास जताते हुए उन्हें एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। तो प्रदेश अध्यक्ष की कमान एक बार फिर से नरेश उत्तम पटेल के कंधों पर सौंपी गई है। अखिलेश यादव ने ये बड़ी जिम्मेदारी नरेश उत्तम पटेल को सौंपी है और बड़ा विश्वास जताया है नरेश उत्तम पटेल पर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने। मुरादाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पीएफआई पर हुई कार्रवाई को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसी भी ऐसे संगठन को सक्रिय नहीं रहने देगी जो देश विरोधी होगा। इसके साथ ही सपा प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर भी भूपेंद्र चौधरी ने बयान दिया है। सरकार का संकल्प है कि देश विरोधी जो भी गतिविधियां करने वाले संगठन हैं उनके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है हम करेंगे। हमारे संकल्प में है कि इस तरह की गतिविधियां देश के हित में नहीं है और जो भी संगठन संस्थाएं देश के हित को ध्यान में नहीं रखेंगी, देश में अराजकता फैलाने का काम करेंगी, उनके खिलाफ दंडात्मक कठोरतम। खबर कुशीनगर से है, जहां पर महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और उसके बाद सनसनी फैल गई है क्षेत्र में। रामकोला में बदमाशों का ये कहर देखने को मिला है। रामकोला में बदमाशों ने महिला की हत्या कर दी है। एक साल पहले पति की मौत हुई थी और अब बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। दो बच्चों के साथ अकेली रहती थी महिला जिसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। रामकोला इलाके के मेहंदीगंज की ये पूरी घटना बताई जा रही है जहां पर महिला की हत्या कर दी गई है। तो महिला की धारदार हथियार से हत्या की गई है जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। पुलिस को ये सूचना मिली कि एक महिला का शव मिला हुआ है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया है। यहाँ फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है गया है। इस महिला का नाम पूजा देवी है और इसके सर पे किसी धारदार हथियार से मार के इसकी हत्या की गई है। पुलिस द्वारा सभी पक्षों की जाँच की जा रही है। इस प्रकरण में अभी तक तीन संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी पक्षों की गंभीरता से जाँच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई हो रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर के अपडेट रहे।